शुक्र है हमारे पास इसरो है है यूके का जो फेलियर हुआ देखकर तो जनविनली हमें थैंकफुल होना चाहिए कि भारत के पास इसरो जैसी कामयाब स्पेस एजेंसी है ना यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे आपको दिखेगी बीबीसी की एक ट्वीट बीबीसी की ब्रेकिंग न्यूज की ट्वीट है यह ट्वीट कह रही है कि यूके का स्पेस मिशन फेल हो चुका है यूके ने खुद सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश करी अपनी धरती से ये फेल कर गए और इसके रिस्पांस में इन्होंने ये कहा कि मैं मानता हूं कि इनका मिशन डिफिकल्ट रहा होगा मगर यूके का ये फेलियर देखकर मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा एप्रिशिएट और एडमायर करना चाहिए लॉन्च रिकॉर्ड हमारी स्पेस एजेंसी का अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा वेट तो यूके सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था असफल हो गया तो इसमें बड़ी बात कौन सी है हमारी भी असफलता रहती है सैटेलाइट तो ठीक है कभी आप लॉन्च करते हैं एक दो बार कभी फेलियर हो भी जाता है नहीं यूके का केस स्पेशल इसलिए है और आनंद महिंद्रा साहब भी इसको मैंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जान के हैरान होंगे यूके ने अपने इतिहास में यूनाइटेड किंगडम ने अपने इतिहास में आज तक अपनी धरती से कुछ भी अंतरिक्ष में नहीं पहुंचाया एक एक छोटी सी सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में नहीं पहुंचाई और यूके अपने इतिहास में पहली बार आप कह लीजिए इनके लिए एक ऐतिहासिक मिशन था ये पहली बार ये लोग अपनी धरती से एक सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे इसमें भी ये लोग फेल कर गए 2023 में भी यूके वो नहीं कर पा रहा जो इंडिया ने 1980s में ही करके दिखा दिया था अब आप यहाँ पर कहोगे मगर ऐसा कैसे हो सकता है हम यहाँ पर यूके की बात कर रहे हैं आई I मीन mean, वहां की आप सिटीज देखिए इतनी सुंदर जगह है हम लोग वहां पे काम करने के लिए जाते हैं वीजा के लोग तरसते हैं वहां पर हाउ कैन दिस बी मगर ये रियलिटी है यूके का खुद का जो स्पेस प्रोग्राम है ये ओवर द इयर्स कुछ खास डेवलप कर नहीं पाया और इसलिए यूके खुद अपनी धरती से कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में नहीं पहुंचा पाया हालांकि एक यहाँ मैं, पे मैं मुझे बात मेंशन करनी पड़ेगी 1971 में ना यूके ने क्या किया था कि ऑस्ट्रेलिया की हेल्प से यूके और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन यहाँ पे ये यूके हो गया ऑस्ट्रेलिया है दोनों के रिलेशंस काफी अच्छे हैं दोनों सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं कॉमनवेल्थ रेल के मेंबर्स हैं तो यूके ने कहा ऑस्ट्रेलिया को का एक रॉकेट है ब्लैक एरो उससे यूके एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया ने अपनी धरती इसके लिए अलाउ कर दी और यूके ने एक आप कह लो छोटी सी डमी सैटेलाइट थी ये लॉन्च कर दी अब ये देखिए इतनी कोई खास अचीवमेंट थी नहीं क्योंकि पहली बार तो यूके ने खुद अपनी धरती का इस्तेमाल किया नहीं था और ये टू कंट्री एफर्ट था वेरास इसरो को आप अगर देखो तो सिर्फ फॉरेन सैटेलाइट की मैं बात करूं अगर इंडियन सैटेलाइट्स को भी ऐड कर दिया तो आंकड़ा कहीं और पहुंच जाएगा सिर्फ फॉरेन सैटेलाइट्स को ही अगर हम देखें तो नवंबर दो 2022 तक, as of November 2022, इसरो 385 इसरोन सैटेलाइट अपनी धरती से लॉन्च कर चुका है और यहां पर मैं मेंशन कर दूं कि खुद सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाना एक बहुत ही बड़ी प्रिवलेज है दुनिया में मैं आपको बता दूं गिनती के ना छे सात देश हैं जो रेगुलर बेसिस पर अपनी सेटेलाइट या फिर इवन फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं वैसे लिस्ट देखोगे ना तो बोला जाता है कि ग्यारह जी देश हैं देश आप कह लीजिए या ओवरऑल स्पेस एजेंसीज हैं जो अंतरिक्ष में सेटेलाइट लॉन्च कर सकती है मगर इसमें एक तो है जी नॉर्थ कोरिया जिसने आखिरी बार सैटेलाइट लॉन्च करी थी 2012 में तब से कोई सैटेलाइट लॉन्च करी नहीं है तो नॉर्थ कोरिया को यहाँ पे आप ऐड करना चाहें ये आपकी मर्जी है फिर साउथ कोरिया को आप अगर देखो जिसने जून 2022 में पहली बार एक डमी सैटेलाइट लॉन्च करी थी तो ये भी काफी नए है नॉर्थ और साउथ कोरिया को इतना सीरियसली मैं इस लिस्ट में नहीं देखूंगा फिर आप देखोगे इस लिस्ट में आपको सोवियत यूनियन भी दिखेगा और रशिया भी दिखेगा जो बेसिकली एक टाइम पर एक ही कंट्री थे तो ये भी आप कह लीजिए कहने को दो कंट्रीज है बट दे आर द सेम फिर यूक्रेन का भी यहाँ पर मेंशन है अब यूक्रेन की अब जो हालत हो गई है यहाँ पे कोई सैटेलाइट तो लॉन्च होने वाली है नहीं मगर यूएसएसआर के ज़माने में आप कह लीजिए यहाँ पर कुछ लॉन्चिंग स्टेशन हुआ करते थे तो यूक्रेन का भी नाम यहाँ पर होना चाहिए नहीं तो हमने यहाँ पर सीधा सीधा तीन कंट्रीज हटा दी है उसके बाद आप देखोगे आपको मिलेगा ईरान ईरान के पास भी जो एबिलिटी है यह कुछ खास है नहीं यूके का यहाँ पे नाम ऐड किया जाता है मगर अगेन यूके ने भी ऑस्ट्रेलिया से एक लॉन्च करी थी अब अपनी धरती से लॉन्च करने की कोशिश करी 2023 में फेल हो गए तो इन रियलिटी एक्चुअली में आप अगर देखोगे तो गिनती के छह सात देश है भारत उनमें से एक है जो अपनी सेटेलाइट लॉन्च करने में सेल्फ डिपेंडेंट है अब आप यहाँ पर पूछोगे मगर 2023 में यूके